तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस, सबसे पहले हम लोग अपनी बातों को लोगन पॉल से। तो हमने देखा कि लोगन पॉल और रिकोसे का जो मनी इन द बैंक का स्पॉट था लैडर मैच वाला, वो गलती से बॉच हो गया। हालांकि वो बहुत तगड़ा मूव था स्टिल, लेकिन फिर भी जो ओरिजिनली प्लान्स थे वो एग्जीक्यूट ढंग से नहीं हो पाए क्योंकि वो मूव ही बॉच हो गया। अब इसके ऊपर इम्पॉल्सिव पॉडकास्ट के ऊपर लोगन पॉल रिएक्ट करते हैं, एंड लोगन पॉल की तरफ से बहुत तगड़ी स्टेटमेंट निकल के सामने आई है। तो स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो लोगन पॉल इम्पॉल्सिव पॉडकास्ट के अंदर कहते हैं कि देखो भाई, जो भी WWE सुपरस्टार्स करते हैं वो चीज़ में सही में बहुत प्रोफेशनल हैं। हम लोग जब मनी इन द बैंक के इस वाले मूव को परफॉर्म कर रहे थे तो एक्चुअली प्लान्स क्या थे कि मैं लोगन पॉल और रिकोसे हम दोनों एट द सेम टाइम अपने पैरों को रिंग रोप्स के ऊपर रखेंगे ताकि वो रोप्स डिसबैलेंस ज़्यादा ना हो। लेकिन गलती ये हो गई कि रिकोसे का पैर जो है पहले चला गया वहाँ पे, एंड मेरा थोड़ा सा लेट हुआ, तो इस वजह से जो है हुआ क्या कि वो डिसबैलेंस हो चुका था रोप, एंड मैं उस पे पैर रख ही नहीं पाया, मेरा पैर नीचे चला गया मिडल रोप के ऊपर। उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब यहाँ पे करना क्या। देन रिकोसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, एंड उसके बाद वो अपनी साइड से लगाते हैं वो स्पैनिश फ्लाई, अभी मुझे नेम याद है। देन रिकोसे अपनी साइड से स्पैनिश फ्लाई लगाते हैं, तो यहाँ पे लोगन पॉल को लगा था कि अब तो ये मूव हो ही नहीं पाएगा। लोगन पॉल ने छोड़ दिया था कि अब तो ये नहीं हो पाएगा, बट उन्होंने देखा कि जो रिकोसे हैं वो स्टिल कोशिश कर रहे हैं स्पैनिश फ्लाई लगाने की मिडल रोप से। तो देन लोगन पॉल ने सपोर्ट किया, एंड देन इन लोगों ने स्पैनिश फ्लाई लगाया, एंड लोगन पॉल को पता ही नहीं चला था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उन्होंने कहा, मैं जब लैंड हुआ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मेरा सर इधर टकरा रहा है, मेरे शरीर इधर उधर चोट खा रहे हैं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। लेकिन जो भी हुआ मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अभी जो भी हुआ है हो तो गया, परफॉर्म हो गया। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगा कि रिकोसे का पैर टच क्यों नहीं हुआ ढंग से, क्या ये अनप्रोफेशनल है। लेकिन जो भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, देन इट्स ऑल राइट, ऐसा कहते हैं लोगन पॉल। तो ये कुछ बिहाइंड द सीन स्टोरी शेयर करी लोगन पॉल ने इस चीज़ को लेके। साथ में गाइस ब्लड लाइन स्टोरी को लेके रिएक्ट किया है जेकब फाटू ने। जेकब फाटू उसोस के ही ब्रदर हैं, पता नहीं किसी रोमन के भाई या फिर उसोस के भाई है, बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है, बट इनमें से ही जो है किसी और की फैमिली है। तो ऐसे में होता क्या है गाइस कि इन्होंने रिएक्ट किया ब्लड लाइन वाली स्टोरी के ऊपर, एंड ब्लड लाइन की स्टोरी करेंटली कितनी पीक पर सबको पता है। तो एक इंटरव्यू के अंदर आते हैं, एंड इनसे पूछा जाता है कि आप क्या कहना चाहते हो ब्लड लाइन स्टोरी पर। तो कहते हैं, सबसे पहले तो थैंक्स कि मुझे मौका मिला इस चीज़ के ऊपर बोलने का, एंड इसके बारे में मैं क्या ही करूँ, मतलब क्या ही कहूँ। तुम्हें भी पता है कि ये टॉप स्टोरी लाइन है पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री की, एंड मैं काफ़ी खुश हूँ कि हमारी जो डायनेस्टी है इतनी आगे तक आ चुकी है। मैं खुद भी काफ़ी गूज फील करता हूँ जब ये फ्यूड होती है। ऐसा नहीं है कि ये फ्यूड ऐसे 6-7 महीने चल रही है, 3 साल से चलते आ रही है, एंड लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग है। साथ में जो सेगमेंट से वो भी काफ़ी ह्यूज नंबर्स ड्रॉ कर रहे हैं कंपनी के लिए। तो ओवरऑल वो काफ़ी खुश है कि इनकी फैमिली यानी कि अनोवा फैमिली समोन डायनेस्टी इतना कुछ WWE को दे रही है, एंड प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री के ऊपर राज कर रही है, इनके ऊपर क्राउन है किंग वाला, ऐसा कहते हैं जेकब फाटू। कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। तो जेकब फाटू को भी काफ़ी प्राउड फील होता है कि इनके भाई ये धूम मचा रहे हैं। तो ये रिएक्शन है कुछ जेकब फाटू का ब्लड लाइन वाली स्टोरी के ऊपर। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो रिसेंटली जॉन सीना आए थे मनी इन द बैंक के अंदर, जहाँ पे उन्होंने कांड कर दिया। उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया को UK में आना चाहिए। अब आपको पता है एक्चुअली में हुआ क्या था कि जॉन सीना के पास स्क्रिप्ट नहीं थी, किसी ने स्क्रिप्ट नहीं दी जॉन सीना को। जॉन सीना को बस कुछ भी जाके बोल देना था, जॉन सीना ने जाके काम बिगाड़ दिया WWE का। जॉन सीना कहते हैं कि रेसलमेनिया UK में होना चाहिए, फैंस भी डिमांड करने लगे, एंड अब UK की जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट भी थोड़े बहुत सपोर्ट में, इवन UK पार्लियामेंट में जो है इसको लेके बात करी जाने वाली है, एंड UK पार्लियामेंट में जॉन सीना को सपोर्ट भी मिलने वाला है। आप लोग देख सकते हो कि पार्लियामेंट स्पीकर हैं, इनकी तरफ से ट्वीट आया कि ये जॉन सीना के स्टेटमेंट को बैक करने वाली है, यानी कि उसको सपोर्ट करने वाली है, बिकॉज रेसलमेनिया UK के लिए एंड वहाँ की गवर्नमेंट के लिए सारी चीज़ों के लिए कैपिटल के लिए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली जो है प्रॉफिटेबल होगा। तो इस रीजन की वजह से ये लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ रेसलमेनिया UK में लेकर आओ। तो ये कुछ चल रहा है चक्कर फिलहाल। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग डैमियन प्रिस्ट के बारे में। तो मनी इन द बैंक जीत के डैमियन प्रिस्ट काफ़ी सारे लोग नाखुश हैं, मैं तो खुश हूँ भाई, मेरे हिसाब से कोई भी जीतता सही होता। LA Knight जीतने पे जितना सपोर्ट कर रहे थे लोग, मैं तो चाहता हूँ कि डैमियन प्रिस्ट के जीतने पे भी उतना ही सपोर्ट करें उन्हें। लोगन पॉल में वही कहता। तो डैमियन प्रिस्ट मनी इन द बैंक जीत चुके हैं, क्या आपको पता है कि वो एक रिकॉर्ड सेट कर देंगे अगर उनका कैसिन सक्सेसफुल हो गया। अगर मनी इन द बैंक कैसिन वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर सक्सेसफुल होता है डैमियन प्रिस्ट का, देन जो है वो पहले चैंपियन होंगे इस 50 साल के अंदर जो कि पोर्टो रिको से वर्ल्ड चैंपियन बना। लास्ट चैंपियन थे पेड्रो मोरालेस, एंड 50 साल से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई कि कोई पोर्टो रिकन वर्ल्ड चैंपियन बना हो।
तो ऐसे में अगर डैमन प्रिस्ट सही से एंड प्रॉपरली वर्ल्ड चैंपियनशिप में कैश इन करे, सक्सेसफुल हो जाए, तो ये रिकॉर्ड डैमन प्रिस्ट के हाथों लग जाएगा एंड वो बन जाएंगे पहले ऐसे पुर्तो रिकन इन 50 सालों के अंदर जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप कैप्चर की एंड क्राउन हुए एज WWE वर्ल्ड चैंपियन, चाहे वो WWE चैंपियनशिप हो, रोमन के पास वाली अंडिस्प्यूटेड टाइटल या फिर रॉलिंस के पास वाली वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, रोमन रेंज को लेकर है। रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन किसको फेस करेंगे, इसको लेकर काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। कोडी रोड्स की वैसे तो फेवरेट हैं, चांसेस सबसे ज़्यादा उनके ही हैं, लेकिन WWE इसको ऑफिशियल कब करेगी? WWE इसको ऑफिशियल करने वाली है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, ऐसा कहना है रिपोर्ट का कि रोमन रेंस का जो रेसलमेनिया 40 का अपोनेंट है वो एक तरीके से अनाउंस होगा एलिमिनेशन चेंबर में, या फिर ये भी हो सकता है कि काफ़ी ऑब्वियस हो जाएगा कि एलिमिनेशन चेंबर में कि यही बंदा है जो कि रोमन को फेस करेगा रेसलमेनिया में। तो जहां तक मुझे लगता है कि इससे पता यही चल रहा है कि जो रॉयल रंबल विनर होगा वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जाएगा एंड जो एलिमिनेशन चेंबर मैच होता है टाइटल के लिए रेसलमेनिया में जाने के लिए वो मुझे लगता है कि रोमन की टाइटल के पीछे जाएगा। तो अगर कोडी रोड्स फेस कर रहे हैं रोमन को तो देन आई गेस वो एलिमिनेशन चेंबर मैच में भी होंगे, तो ये कुछ प्रोसेस हो सकता है, ये कुछ अपडेट का कहना है। आगे बढ़ते हैं, आज आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं आने वाले स्मैकडाउन को लेकर। तो आने वाला स्मैकडाउन अभी से सोल्ड आउट है, मैं आपको बता दूं आने वाला जो स्मैकडाउन मैडिसन स्क्वायर गार्डन हो रहा है ऑलरेडी काफ़ी बरस हुए, इवन रोमन रेंज का सेगमेंट अनाउंस हो चुका है ट्रायल ऑफ ट्राइबल चीफ करके, तो लोगों को देखना भी है कि एफ्टरमैथ क्या होता है। तो जो टिकट सेल्स है वो काफ़ी तगड़ी वाली हुई है, सोल्ड आउट हो चुका है। जो सेटअप कैपेसिटी थी वो थी 12,883 की, जिसमें से कि बिक गए हैं टिकट्स 12,865, सिर्फ 18 सीट्स बाकी है वो भी प्लैटिनम सीट्स। तो ऐसे में WWE ने जो है सारे टिकट्स बेच डाले एंड ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। सो तो ये कुछ अपडेट्स है गाइस इस वीडियो के लिए, आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।